नमस्कार स्नेहितो, इन्फोटेनमेंट बेंगलोर में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेनमेंट बेंगलोर। लेट अस एनालाइज द मूवमेंट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुडे। फॉर द इंट्राडे मूवमेंट मंडे मार्केट, व्हाट वाज द मूवमेंट इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बात करेंगे। आज इंट्राडे का क्या मूवमेंट रहा और कैसा रहा दिन हम देख लेंगे। पहला हम बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखेंगे। दिस इज 5 मिनट चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आज एक बढ़िया मूवमेंट दिया, अप ट्रेंड बना के थोड़ा अपना हाई करके चला गया कि 35,585 तक जाके वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। कल हमारा वीडियो में भी आपको दिखाया दिया था, तो वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा नीचे रुक गया है, लेकिन बहुत बढ़िया बुलिश मूवमेंट है कि 35,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल को पार करके बैठा है। वही निफ्टी में हम देखेंगे क्या हुआ। निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा दिया फिर से, तो निफ्टी में 15,600 क्रॉस करके वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। जो हम बताए थे ऑप्शन चेन के हिसाब से 15,600 एक बढ़िया रेजिस्टेंस माना गया। सो वही रेजिस्टेंस पर रिस्पेक्ट देके थोड़ा नीचे क्लोज किया है। 15,576 पे निफ्टी आज बंद हुआ है। सो इट हैज फेस्ड द रेजिस्टेंस ऑफ 15,600 विच वॉज डिस्कस्ड इन यस्टरडेस वीडियो एज इन केस ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस। सो आज निफ्टी का दिन कैसा रहा। निफ्टी एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड बुलिश मूवमेंट दिखाया दिया। शुरुआत में थोड़ा निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आया, ओपनिंग प्रेशर, ओके, मंडे मार्केट प्रॉफिट बुकिंग। सो देन कंटिन्यूस अप रैली, ओके। सो इट हैज नॉट शोन एनी साइन ऑफ नेगेटिव और रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड, ओके। देर इज नो नेगेटिव ट्रेंड और देर इज नो रिवर्सल। यहाँ पे देख सकते हैं आप कंटिन्यूस यहाँ पे रेड बनाते गया, चार कैंडल फर्स्ट 20 मिनट्स यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया। उसके बाद एक बढ़िया एक कैंडल बनाया ग्रीन कैंडल के, उसके ऊपर कंटिन्यूस लगातार चलना शुरू कर दिया निफ्टी ने। अपना सारा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निफ्टी 15,600 लेवल को पहुंच गया। जो हमारा पिछला वीडियो था वो वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे बताया गया था कि अपसाइड रेजिस्टेंस थोड़ा ठीक से हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये हायर हाई बनाता जा रहा है, नया हाई लगाता जा रहा है। निफ्टी एक बुलिश मोमेंट में चल रहा है कि मार्केट बढ़िया है। सो यू कैन सी यस्टरडेस वीडियो एंड व्हाट एवर द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स दैट वी डिस्कस्ड द सेम थिंग हैज हैपेंड, ओके, ओवर द निफ्टी चार्ट। सो व्हाट विल बी फॉर मंडे निफ्टी चार्ट, वंस अगेन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज सेलिंग हैज कम एट द लास्ट मोमेंट। थोड़ा लास्ट में थोड़ा सेल करके गए हैं कुछ लोग। सो यहाँ पे 600 को यहाँ पे रेजिस्टेंस का सपोर्ट देते हुए लास्ट में कुछ सेलिंग दिखाया है। कल कैसा ओपनिंग रहेगा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन सपोर्ट को हम ढूंढ सकते हैं। सपोर्ट किधर किधर सपोर्ट बनेगा निफ्टी को ये हम पता लगा सकते हैं कि हमारे डेली मूवमेंट्स के हिसाब से कि किधर किधर आपको सपोर्ट मार्क करना चाहिए। आप यहाँ पे ड्रॉ में जाके ये जीरो अकाउंट है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन था। सो ए लेवल पे आप सपोर्ट मान के जाइए। 15,540 लेवल में एक आपको सपोर्ट मिलेगा। 15,550 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 550 को ब्रेक करना और नीचे चलना 15,540 में एक आपको सपोर्ट मिल सकता है, रिवर्सल आना सकता है। उसके बाद आपको 15,525 भी एक थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। 15,507 और 15,500 ये जोन आपको सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद सीधा आपको निफ्टी यहाँ तक आ जाएगा कि समवेयर अराउंड 15,460 टू 15,470 ये लेवल में आपको सपोर्ट्स दिखाई देगा। तो सपोर्ट नीचे मजबूत है, सपोर्ट बनता जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस थोड़ा कम है और निफ्टी नया हाई बना के चल रहा है डेली। सो ये ध्यान रखिए और शॉर्ट में मत बैठिए अंटिल अनलेस आपको कंफर्मेशन कैंडल या कंफर्मेशन मूवमेंट मिले, आपको शॉर्ट नहीं करना है। सो लेट अस सी व्हाट इज इन द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी। ऑप्शन चेन में क्या रहा आज। ऑप्शन चेन आप देख सकते हैं 15,600 एक इन द मनी बन जाता है क्योंकि 15,575 15,600 का करीब है ये इन द मनी यहाँ पे दिखाया गया है चार्ट में। देखिए किधर किधर क्या बिल्डअप है। देखिए 15,650 में ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है, 5,937 है, और फिर से 15,700 में 6,962 है। उसके बाद 15,750 में भी 6,400 है, ओके। सो कम बिल्डअप हुआ है ये तीनों लेवल में, ये ध्यान रखिए। 15,650 700 और 750 के जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में, कॉल रेटिंग जो हुआ है
कम हुआ है, देयर इज अ लेस कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन कॉल साइड, दिस इज द कॉल साइड इन द ऑप्शन चेन. सो व्हाट इज इन पुट्स, पुट साइड. सो पुट साइड इवन लेस, पुट राइटिंग यहाँ पे है ही नहीं. ओके, सो 2000 2100 यहाँ पे पुट साइड बहुत कम है, ऑप्शन डेटा आप देख सकते हैं. लेकिन नीचे सपोर्ट यहाँ पे आप 5937 650 में है, लेकिन 600 में एक सपोर्ट बढ़िया है, उससे भी ज्यादा बढ़िया. सो 8570 560 लेवल में, और उससे नीचे 15550 में ऑलमोस्ट 9100 कॉन्टैक्ट्स है, और यहाँ देखिए 15500 का लेवल में, यू कैन सी इन द 15500 लेवल देयर इज अ गुड सपोर्ट, ह्यूज सपोर्ट 32689. सो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो भी 15500 एक शानदार सपोर्ट आपको माना जाएगा, वहां से रिवर्सल जरूर करना चाहिए ऑप्शन चेन के हिसाब से. सो इट हैज टू रिवर्स व्हेन इट रीचेस 15500 बिकॉज इट इज अ मैसिव सपोर्ट बीइंग गिवन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, ये ऑप्शन चेन रहा निफ्टी का. बैंक निफ्टी का चार्ट में चलता है, बैंक निफ्टी का चार्ट देख के बाद में बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं. Let us see the chart of Bank Nifty and then we will go to option chain analysis of Bank Nifty. You can see Bank Nifty has given even better movement than Nifty. Very fast and swift movement on the upside. Subah se hi ye CE Mehta, bahut sara Telegram channel aap dekh sakte hai. Yahan pe thoda giravat aane ka intezar kiya aur yahan pe P de diya subah subah hi. Lekin is point se reverse market upar chala gaya ki ye point somewhere around 39,970-80. तो आपको बताया था, जो आपको बताया था वो लेवल में यहाँ पे रिवर्सल कर दिया, और यहाँ पे निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी ऊपर चलने लगा. थोड़ा यहाँ पे लो स्विंग लगा लेकिन कंसोलिडेशन करके फिर से ऊपर गया, एक नया इंट्राडे हाई बनाया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया और कंटिन्यूसली ऊपर चलता चला गया. सो ये क्लोजिंग 35,484 जरूर दिया है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल 35,500 के नीचे दिया है. एक थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखाया है बैंक निफ्टी में, लेकिन कल अगर गैप अप हो गया 35,500 के ऊपर तो और बढ़िया बुलिश मूवमेंट बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं. एक ग्लोबल मार्केट को भी आप देख के डिसीजन लीजिए कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा सेटअप बनाना चाहिए. चलिए हम देखते हैं बैंक निफ्टी का. बताया गया था बैंक निफ्टी का हाइस बहुत है, सो ये 37,000 के ऊपर भी गया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में बहुत दिनों पहले. तो वहां से आप लेना चाहिए कि किधर यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है. तो 5 मिनट चार्ट तो बहुत छोटा हो जाएगा, 15 मिनट चार्ट में हम जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 35,484 एक लेवल है, उसके ऊपर क्या आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है. सो 35,500 इमीडिएट आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन वो बहुत नियर है. सो उसके आगे अगर चलेगा, सो 35,500 अगर ये ब्रेक कर पाएगा तो यहाँ कहीं पे आपका है अभी. सो यहाँ पे इमीडिएटली आपको एक और रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे. सो देख सकते हैं 35,543 में एक बढ़िया रेजिस्टेंस मिल सकता है, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है कि ये जोन में थोड़ा ट्रेडिंग हुआ है. 35,700 या 680 ये लेवल में कल हम बताया था वही लेवल में, और एक और आपको 35,827. ओके, बीच में अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा मोड़ा एक रेजिस्टेंस मिलेगा तो भी 620-630 के पास मिलेगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस ज्यादा काम करने वाला नहीं है एज पर नॉलेज. सो देखेंगे कि सपोर्ट कैसा बन रहा है. सपोर्ट हम फिर से 5 मिनट चार्ट में चला जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट चार्ट में आपको सपोर्ट ढूंढना आसानी है. रेजिस्टेंस तो बहुत पिछले दिन में हाई था, इसलिए बहुत दूर जाके देखना पड़ा, लेकिन सपोर्ट यही पे देख सकता है. यू कैन सी द सपोर्ट इमीडिएटली, बट यू हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस इन द प्रीवियस चार्ट्स. ओके, वेरी लॉन्ग एगो व्हाट वाज द मूवमेंट, देयर यू हैव टू फाइंड द सपोर्ट. सो इमीडिएट सपोर्ट यू आर गोइंग टू गेट समवेयर अराउंड हियर. सो इट इज 35,420. If this is going to be broken in the opening itself, next there is no much support until 35,254. Okay, यहाँ पे कोई उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है. 342 में थोड़ा सपोर्ट आपको मिल सकता है, उसके बाद डायरेक्टली 250 रेंज में आपको बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा. बैंक निफ्टी में बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, आप ये नेग्लेक्ट मत कीजिए. उसके बाद आपको 35,180 लेवल में एक वो जूम में एक आपको
बढ़िया एक सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन वो भी गारंटी नहीं है, बैंक निफ्टी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद डायरेक्टली 35,100 के नियर और 35,080-60 वो लेवल के ऊपर आप ध्यान दीजिए, और उसके बाद डायरेक्टली साइकोलॉजिकली इफेक्ट करने वाला लेवल 35,000 है। ये सब आपको बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहलाएगा। सो दीज आर दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। सो इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी इज गोइंग टू क्लाइंब अप वेरी हाई टिल 35,827, इट शुड ईजिली गो। बट इफ इट इज फेसिंग सम इंट्राडे रेजिस्टेंस, इट कैन कम बैक to these levels. But falling of bank Nifty depends upon the performance of banks rather than any other thing. HDFC, Kotak, okay, Axis, these are the heavyweights that you need to watch before deciding entry and exit in bank Nifty, either PE or CE. चलिए option chain क्या कहता है bank Nifty में देख सकते हैं हम. So option data में चलेंगे, यहाँ Nifty है, यहाँ bank Nifty select कर देंगे, हमारा chart निकल के आ रहा है कि यहाँ पे हमें डेटा क्या मिल रहा है, व्हाट कैन वी सी इन द ऑप्शन चेन फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वंस अगेन इन द मनी 35,500 के आसपास है, 35,480 कुछ है। सो 35,500 आपको इन द मनी बन जाएगा, यहाँ पे 35,500 इन द मनी है। और यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं 35,600 में 7,986, ऑलमोस्ट 8,000 है कॉल साइड में, near call side it is already 8,000 open interest in 35,600 level. So 35,500 mein 20,762, so 21,000 open interest. So 35,500 abhi agar break karke upar jayega to badhiya support banega. So gap up hoga to 35,500 very good support, gap down hoga to badhiya resistance ho jayega. So 35,400 mein 10,000 कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड है, उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है, कहीं भी उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं बनता हुआ दिखाई रह रहा है 34,500 तक, ये नीचे उतना ज्यादा कुछ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है। लेकिन ऑन द अदर साइड 35,500 के ऊपर अगर 600 को ब्रेक करने में कामयाब हो गया ओपनिंग में ही, तो यहाँ पे आप 11,479 ओपन इंटरेस्ट 11,479 इन दिस स्पॉट प्राइस ऑफ 36,000, ठीक है 36,000 तक ये आपको रैली दिखा सकता है आने वाले सेशन में। तो कल ही दिखाएगा, ये पता नहीं, देखना पड़ेगा इंट्राडे रेजिस्टेंस कैसा बिल्डअप होगा, कैसा यहाँ पे ट्रेडिंग लगेगा लोगों का माइंड, सो ऑपरेटर्स का चाल क्या करेगा, वो सब आपको देखना है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत कम है, 2,600, 4,000, 2,300 ये सब बहुत कम है, इसको आसानी से बीट कर लेगा अगर एक बढ़िया मोमेंट मिला तो। गैप अप ओपन आना चाहिए, 36,000 इजीली अचीव हो जाएगा, ये मेरा कहना है, मानना है ऑप्शन डेटा को देख के। लेकिन ऑप्शन डेटा बहुत जल्द चेंज होता है, द ऑप्शन चेंज एनालिसिस दैट यू आर गोइंग टू डू इट विल बी चेंजिंग वेरी डायनामिकली इन द मार्केट, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट शेयर मार्केट, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग सम कोर्सेस, प्लीज लेट मी नो वॉट यू वॉन्ट टू लर्न, आपको क्या सीखना है, किसका एक एनालिसिस सीखना है, कैसा एक एनालिसिस आपको सीखना है, क्या क्या डाउट्स है अपना मन में, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप छोड़ दीजिए कि उसके ऊपर हम कुछ वर्क करके एक कोर्स बिल्डअप करेंगे। देखिए जय भी आप एडवर्टाइजमेंट देगा कि 99 रुपीज़ में थोड़ा कुछ आपको बता देंगे, 1,000 रुपीज़ में आपको कुछ बता देंगे, ये सब झूठ है। बढ़िया बढ़िया CA जो बना रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसका कोर्स रहता है 30,000-50,000 का लेवल का रहता है, वहाँ भी आपको कुछ नहीं दिखाने वाला है, कुछ नहीं सिखाने वाला है। सो बढ़िया बढ़िया जो लोग रहता है ट्रेडर्स कहलाता है कि उसका यूट्यूब चैनल रहता है, वो भी बोलता है तुम्हें ये सिखा दूंगा, वो सिखा दूंगा, 7 दिन में तुम्हें एक ट्रिक्स बता दूंगा कि वो वर्क हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 7 डेज में हो जाए, एटलीस्ट मिनिमम 15 डेज चाहिए। सो 15 डेज का एक कोर्स लेना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए नेक्स्ट 15 डेज। सो 30 डेज आपको वर्क करना है कुछ स्ट्रैटेजीज के ऊपर। सो वो स्ट्रैटेजीज बनाने में हम भी अपने आप को लगाया हुआ है, और आपको कुछ भी डाउट है वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, एक बढ़िया कोर्स हम बना देंगे। सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न शेयर मार्केट, यू हैव टू नो वॉट यू हैव टू लर्न। सो यू प्लीज लीव अ कमेंट वॉट यू वॉन्ट टू लर्न, वेर इज योर डाउट, वेर इज योर डिफिकल्टी, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ गुड कोर्स ऑन दैट। And if anybody interested can enroll the course. So I will be using my internet, I will be using my power source, I'll be using my laptop, cell phone, everything, I'll be using my precious time to teach you. So please
don't kindly say that I want free courses, free tips and other things. And also remember, if somebody is giving free tips, it is really trapping you. Okay? कोई भी अपना समय निकाल के आपको नहीं दे सकता है कि दो चार दिन आपको एक बढ़िया कॉल देगा, उसके बाद बोलेगा कि प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो, पैसा दे दो, हम आपको कॉल दे देंगे, क्योंकि उसका भी मेहनत रहेगा उस ग्रुप में, वो भी कॉल्स ढूंढेगा और आपको कॉल्स देगा। ये नहीं 100% एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट भगवान भी नहीं हो सकता है मार्केट में, इसीलिए थोड़ा होशियारी से आप काम कीजिए। किसी को अगर पेड सर्विस आप ले रहे हैं तो भी उस पेड सर्विस में जो कॉल आता है आपको पता रहना चाहिए कि ये आदमी क्यों कॉल दे रहा है, इसमें क्या है, चार्ट में आपको देखना है, ठीक है। यू हैव टू सी व्हाई दिस पर्टिकुलर कॉल इज बीन प्रोवाइडेड देयर। कई टेलीग्राम चैनल आज पी दे दिया, सुबह सुबह ही पी दे दिया, एग्जिट पॉइंट नहीं बताया और उसका चैनल में लगा दिया, 30% प्रॉफिट हो गया, 40 प्रॉफिट हो गया, 50 पॉइंट्स आ गया, ये सब मैसेज लिख लिया। लेकिन जब वो पी दिया उतना फास्ट मूवमेंट हुआ कि 30-40 पॉइंट्स कैप्चर करने में आपको नहीं हो पाया, सो मार्केट रिवर्सल दे दिया, कंटिन्यूस अपसाइड चला गया। सी जो बैठे हुए थे बिना स्टॉप लॉस या सिग्नल को वेट कर रहे थे, कब एग्जिट बोलेगा, कब क्या बोलेगा, पेड सर्विस जो लिया है या टेलीग्राम चैनल फ्री में हम फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ नहीं बता दिया, वहाँ पे ट्रैप करा दिया और आपका पैसा गंवा दिया। सो ये सब आपको बचना है तो बढ़िया सीखना है। अगर मैं बोलूंगा कि कुछ आप खरीदो तो उसका ऊपर आपका नजर लगना है, चार्ट पे आप देखना है, कुछ इंडिकेटर्स लगाना है, एनालिसिस करके उसके बाद ट्रेड लेना है, अंधेरे में ट्रेड नहीं लेना है। अगर कोई बोल दिया कूदो कुआ में तो आप नहीं कूदना है। ओके, प्लीज टेक केयर योर सेल्फ। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड लेट मी नो व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, सो वी विल बिल्ड अ ब्यूटीफुल कोर्स एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस सम फाइन स्ट्रेटेजीज। Thank you very much for watching our channel. Please like, subscribe and share this video with all of your friends. Thank you very much.